सो हाय गाइस, माय नेम इज यू एंड वाचिंग डॉट रॉक्स YT चैनल। सो इस वीडियो में बात करेंगे मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की। सो इसका इन्फॉर्मेशन, एक्सटीरियर, इंटीरियर फीचर्स, सेफ्टी, ड्राइवर्स, इंजन ऑप्शंस क्या आएंगे, प्राइस, और अभी तक कार लॉन्च नहीं हुई है, सो लॉन्च डेट भी आपको बता देंगे। हाय, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और क्या प्राइस एक्सपेक्टेशन है इसके, और इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव भी आएगा, देन आपको इसमें स्मार्ट हाइब्रिड आएगी, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपको देखने मिल जाएगा। मतलब ये ओवरऑल पैकेज बहुत ही अच्छा पैकेज हो सकता है फ्रॉम मारुति सुजुकी। ये कार बहुत ही अच्छी रहने वाली है एज पर माय ओपिनियन, बिकॉज इसमें ऑलमोस्ट आपको सब फीचर्स तो देखने मिल जाएंगे और राइवल्स करती है क्रेटा, सेल्टोस, कोशाक, टाइगन, एस्टर और इसके सिबलिंग टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर से भी। और बाकी सिर्फ इस वीडियो में बात करेंगे ग्रैंड विटारा की, और इसके डायमेंशन आप अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो, और ऑलमोस्ट सिमिलर आपको डायमेंशन देखने मिल जाएंगे जैसे आपको क्रेटा सेल्टोस में देखने मिले, मतलब उतनी साइज़ की आपको कार देखने मिलने वाली है ये, या उससे कम्पीट करने वाली है। और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो इसके डायमेंशन हाइब्रिड और स्मार्ट हाइब्रिड के थोड़े से सिमिलर होंगे, बात तो सही है, कुछ मेजर ऐसा चेंज नहीं होगा। वेट थोड़ा बढ़ जाएगा हाइब्रिड में, बट आपको स्मार्ट हाइब्रिड में थोड़ा वेट कम देखने मिल सकता है अगर वो, मतलब आप अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम लुक्स की बात करें तो फ्रंट में बहुत ही बोल्ड है कार दिखने में, क्रोम का इस्तेमाल आपको दिखने मिल जाएगा ग्रिल के आसपास में, और बाकी हेडलैम्प आपको मिलने वाला है, एक ही प्रोजेक्टर जिसमें लो बीम हाई बीम आप अपने स्विच कर सकते हो, फॉग लैम्प नहीं आते है ग्रैंड विटारा में, जो कि सरप्राइजिंगली बहुत ही शॉक वाली बात है। बट डे टाइम रनिंग लाइट्स आपको दिखने मिल जाएगी 3 स्लाइड्स वाली, जिसमें आपको इंडिकेटर भी आएंगे, और बाकी तो बोल्ड है कार दिखने में, और ब्लू में तो बहुत ही अच्छी दिखती है कार, नो डाउट्स। और इसके कलर्स की भी बात हम करने वाले हैं। सो साइड लुक की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख सकते हैं सिल्वर फिनिश आपको दिखने मिल जाएगी क्वार्टर मिरर के साइड में, और देन जो मिरर्स है वो छोटे साइज में वो आपको 360 वाले मिलने वाले हैं। अलॉय व्हील्स आपको 16 या 17 इंच के आ सकते हैं, और जिसकी डिज़ाइन मेरे ख्याल से ओके ऐसी कुछ अपीलिंग वाली डिज़ाइन नहीं है सेगमेंट में, बहुत ऐसी कार से जिसकी डिज़ाइन जो अलॉय व्हील्स की डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छी है दिखने में। सही बात है, जैसे हम क्रेटा की बात कर लें, सेल्टोस की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें कोशाक टाइगन की, इसके अलॉय व्हील्स और भी अच्छे दिखते हैं। बट अगर हम बैक लुक की बात करें तो बैक से आपको कनेक्टिंग टेल लैम्प्स आने वाले हैं जो कि बहुत ही अच्छे दिखते हैं, और ऑल LED लाइट्स आएंगे, टेल लैम्प्स की बात कर रहा हूँ मैं, और हेलोजन और इंडिकेटर की जो लाइट है वो आपको हेलोजन में दिखने मिलने वाली है। बूट आपको अच्छा आएगा अगर आप स्मार्ट हाइब्रिड लेते हो, अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेते हो तो बूट आपको कम देखने मिल जाएगा बिकॉज ऑफ बैटरी। स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग आएगी, ऑल व्हील ड्राइव की बैजिंग आपको देखने मिल जाएगी, देन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसकी भी बैजिंग आएगी। इंटीरियर की बात करें तो ऑल ब्लैक इंटीरियर आने वाला है विद शैम्पेन गोल्ड एसेंट्स, सो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जो फिट एंड फिनिश है वो भी अच्छी लग रही है इधर से। अभी ये सब हम वीडियो बना रहे हैं, रिव्यू नहीं कर रहे, रिव्यू जब करेंगे तब की बात तब करेंगे हम कि कैसी फिट एंड फिनिश रहने वाली है कार की, और क्या टच एंड फील ऑफ मटेरियल रहेंगे। शाबाश। और आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के भी वीडियो देख सकते हो, आपको अच्छे से पता चल जाएगा रिव्यू के बारे में, और ये सिर्फ हम ऊपर से बता सकते कैसा कुछ आएगा, बट आपको रिव्यू में अच्छे से पता चल जाएगा। समझ रहे हो ना। फीचर्स की बात करें तो आपको ब्लू में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन देखने मिल जाएगा HOD के कंट्रोल से, देन 360 कैमरा के कंट्रोल से, रियर एसी वेंट्स आएंगे विद चार्जिंग पोर्ट्स, देन हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो आएगा उसमें आपको बूट थोड़ा कम देखने मिलने वाला है, और बिकॉज ऑफ बैटरी ऑब्वियसली बैटरी उधर आएगी तो आपको बूट तो थोड़ा कम देखने मिल जाएगा, मतलब कॉम्प्रोमाइज थोड़ा करना पड़ेगा आपको विद द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। बट अगर फीचर्स की बात करो तो भर के इसमें फीचर्स है, वेंटिलेटेड सीट्स है, देन 360 पार्किंग कैमरा है, पैनोरामिक सनरूफ है, जो पीछे वाला कांच है वो भी स्लाइड होता है, वेंटिलेटेड सीट्स आएंगी, देन EV मोड, इंजन मोड, 9 इंच की टचस्क्रीन आएगी जो कि बहुत ही अच्छी है, पैडल शिफ्टर्स आने वाले हैं, देन क्रूज कंट्रोल आने वाला है कार में, वायरलेस चार्जिंग आने वाला है, जैसे बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स है कार में, हेड्स अप डिस्प्ले भी है, देन फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आएगा, एनालॉग वाला भी आपको देखने मिल जाएगा, और मतलब 9 इंच की जो टचस्क्रीन आएगी वो भी बहुत ही अच्छी दिखने मिल जाएगी, और कनेक्टेड वाली टचस्क्रीन आने वाली, मतलब सुजुकी कनेक्ट या नेक्सा कनेक्ट ऐसा कुछ है, बट बहुत ही अच्छी और फ्लुएंट स्क्रीन है, हमने बैलेनो में भी देख लिया, देन हमने जो है ये स्क्रीन को इस्तेमाल किया है इन द विटारा ऑल्सो, यस विटारा नहीं ब्रेज़ा में भी। और बाकी अगर हम बात करें तो शैम्पेन गोल्ड एंड वैसे कुछ कलर थीम्स आने वाली है,
और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो। उसमें ज़्यादा कुछ फीचर्स तो नहीं आएंगे, बट जो डिजिटल वाला है उसमें ज़्यादा फीचर्स आएंगे। वेंटिलेटर शीट्स का ऑप्शन है, ऑल ब्लैक कैबिन आपको देखने मिलने वाला है इधर ग्रैंड विटारा में, जो कि थोड़ी गर्मी में दिक्कत करेगा, बट बाकी स्पोर्टियर अपील के लिए ये रखा गया है ऑल ब्लैक थीम को। एंड बाकी हम बात करें सो दोनों ही हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड का बूट स्पेस देख सकते हो, और ऊपर आपको बटन्स दिखने मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसे तो आएगा ही, और ग्लोब बॉक्स है उसमें कोई भी कूलिंग वाला फंक्शन नहीं देखने मिलने वाला। और ये हाइब्रिड वाला जो आप कॉर्नर में देख सकते हो, जो फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो कि एम्बर कलर में दिया हुआ है, मतलब जो कंट्रोल्स आएंगे उसकी जो लाइट्स है वो आपको एम्बर कलर में देखने मिल जाएगी, और जो कि सुजुकी की बहुत पहले से ये कलर आती है। सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी में ये कार हो सकती है 5/5 स्टार या 4 स्टार तो मिनिमम रहेगी ये कार, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। ये एस्क्रोस के प्लेटफॉर्म पे बिल्ट की गई कार है, और इसमें आप अपनी सेफ्टी फीचर्स देख सकते हो, 360 पार्किंग कैमरा, देन इसका स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हील होल असिस्ट, हील डिसेंट असिस्ट वगैरह जैसे फीचर्स आएंगे, देन कर्टेन एयरबैग्स, मतलब 6 एयरबैग्स आपको कार में देखने मिल जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स कार में आते हैं सेफ्टी वाले। और स्ट्रक्चर भी इस बार थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट ये तो तभी पता चलेगा जब ग्लोबल एनकैप टेस्ट करेगा। अगर इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसमें 2 इंजन आए थे, एक तो टोयोटा का इंजन जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ आपको देखने मिल जाएगा, और एक जो रेगुलर मारुति सुजुकी का 1.5 लीटर वाला इंजन है वो आएगा विद स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं आएगा, बट ये जो स्मार्ट हाइब्रिड वाला जो इंजन है जो मारुति वाला है उसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव का भी सपोर्ट देखने मिल जाएगा, ये ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों में आपको देखने मिल जाएगा। अगर हाइब्रिड की बात करें तो इसमें सिर्फ ECVT गियरबॉक्स ही आपको देखने मिलने वाला है, और इसमें कोई ऑल व्हील ड्राइव नहीं आएगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करें तो। गजब बेइज्जती है। स्मार्ट हाइब्रिड में आपको अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो क्या क्या डिटेल्स रहने वाली है, क्या इंजन ऑप्शंस आएंगे और कौन सा वेरिएंट कहाँ है। वेरिएंट्स की बात करें तो आप सिग्मा डेल्टा जेटा अल्फा ये स्मार्ट हाइब्रिड में, और जो जेटा प्लस और अल्फा प्लस है वो आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में देखने मिल जाएगा। सबकी डायमेंशंस एंड फिगर्स, टॉर्क पावर क्या निकाल के देगी, कौन सी बैटरी है, ये सब आप देख सकते हो, वो स्मार्ट हाइब्रिड के लिए था। अब ये हाइब्रिड वाले में आपको क्या देखने मिलने वाला है। The intelligent electric hybrid system combines 2 power sources, a combustion engine along with an electric motor that is powered by a lithium-ion battery. गाइज आपको मैं समझा देता हूँ कि हाइब्रिड में कैसी टेक्नोलॉजी काम करती है। सो ये देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, जो अभी बैटरी में से पावर मोटर में जा रही थी, अब इंजन पावर कर रहा है मोटर को, देन मोटर पावर कर रही है व्हील्स को, जो फ्रंट व्हील है उसको, और अभी इंजन रेड में आप देख सकते हो, मोटर है वो ब्लू में है, और ये चलने जब इंजन चल रहा होगा तब मोटर चल रही होगी, जब से जो पीछे वाली बैटरी वो चार्ज होगी। अगर आप ईवी मोड को क्लिक करते हो सो इसमें क्या होगा कि इंजन है ना आपका वो ऑफ हो जाएगा। अब ये सिर्फ पावर करेगी बैटरी टू मोटर, मोटर देन व्हील को चलाएगा, मतलब कि पूरी इलेक्ट्रिक अप सिस्टम हो गया जैसे आपको इलेक्ट्रिक कार। अगर आप एक्सीलरेट करते हो और ज़्यादा सो ये इंजन को भी ऑन कर देगी, मतलब बैटरी के साथ साथ आपका इंजन भी इसमें पावर डिलीवर करेगा, जिससे आपको अच्छी खासी रेंज और अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगी। ब्रेक मारोगे तो जो पावर होगी, जो कनेक्टिंग वो फिर से बैटरी में जाएगी और फिर से बैटरी को ये चार्ज करेगी। सो ये कुछ सिस्टम है और कुछ इस तरीके के काम करती है ये सिस्टम, जो कि हाइब्रिड जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसमें, और जिससे आपका जो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी, देन ये CO2 कम होगा, ड्राइव सिंपल ड्राइव होगी, और परफॉर्मेंस भी आपको इंक्रीमेंट देखने मिल जाएगी। सो कैसी लगी आपको ये, अपने फीचर्स अपने स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो। आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स आएंगे, यस 2 15 60 R17 व्हील्स आएंगे, और बाकी आप अपने स्क्रीन पे चेक कर सकते हो हाइब्रिड के लिए। और जो प्रीवियस वाली स्लाइड थी वो आपको जो स्मार्ट हाइब्रिड है उसके लिए था, ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको हाइब्रिड और, बट इसमें कोई भी डीजल का ऑप्शन आपको उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो कि डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है, बट ऑफ रोडिंग में कार आपको कैपेबल देखने मिल जाएगी। अभी कुछ ही दिनों पहले इसका ऑफ रोडिंग भी हुआ था, मतलब टेस्ट हुआ था, जिसमें हम तो नहीं गए थे बट हमारे पास पिक्चर्स आए, सो आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। क्रेडिट गोज़ टू 991 EVs, मोटर ऑक्टेन एंड मच मोर बिगर ऑर्गेनाइजेशंस, मोटर बीम हो गई, सो उधर से ये पिक्चर्स आए, सो आप अपने स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही केपेबल कार है ऑफ द रोड ऑल्सो, ऑन द रोड तो होने ही वाली है। बाकी कलर ऑप्शन की बात करें तो बहुत सारे मल्टीपल कलर्स आएंगे कार में, ब्लू आएगा, देन ड्यूल टोन ब्लू आने वाला है, वाइट आएगा ड्यूल टोन वाइट आएगा, सिल्वर आएगा ड्यूल टोन सिल्वर आने वाला है, रेड आएगा ड्यूल टोन रेड कलर आएगा, ग्रे कलर आएगा, ब्लैक कलर आने वाला है, मल्टीपल कलर्स
आने वाला है इन द कार ऑल्सो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मेरा फेवरेट रहने वाला है रेड और ब्लैक, और ब्लैक एंड ब्लू कलर जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। सुजुकी कनेक्ट भी आपको देखने मिल जाएगा, जो कि कनेक्ट है कार टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हमने बात की थी वीडियो में स्टार्टिंग में। और ये कुछ फीचर्स है अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, जो कि सुजुकी कनेक्ट से आपको मिलने वाले हैं। और इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है, सो आपको अच्छी खासी मोबाइल से स्टार्ट वगैरह स्टॉप वगैरह वो पता नहीं कि होने वाला है कि नहीं, बट एलेक्सा की कनेक्टिविटी आपको शायद देखने मिल जाए कार में। एंड बाकी लॉन्च की बात करें, प्राइस की बात करें जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो, सो लॉन्च की बात करते हैं। सो ये लॉन्च होगी 26th of September को, मतलब कुछ ही दिनों में, और प्राइस 11 से 18 लाख हो सकता है। अगेन ये प्राइस डिपेंडेंट है ऑन द हाइब्रिड, ऑल व्हील ड्राइव और ये सब, मतलब ऑलमोस्ट कार 22 लाख 23 लाख तक तो जाएगी ही, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ आती है, ऑल व्हील ड्राइव के साथ आपको देखने मिलती है। एंड राइवल करती है आपको क्रेटा, सेल्टोस, अर्बन क्रूजर हाई राइडर, देन टाइगून, कोशाक, एस्टर, सेल्टोस, मल्टीपल, जो कि एक एसयूवी का सेगमेंट अभी बना के रखा है, उस कार्स के साथ ये सेगमेंट में कंपीट करती है। स्कॉर्पियो से भी इसका कंपेरिजन होगा बिकॉज ऑफ प्राइस, एसयूवी से भी कंपीट करेगी अकॉर्डिंग टू प्राइस, एंड मतलब ऐसी बहुत सारी कार्स है जिसके साथ ये कम्पीट करेगी। ऑल व्हील ड्राइव में भी आती है, सो बहुत ही अच्छी बात है। मारुति सुजुकी ने इस बार बहुत ही कमाल बात की है विद द कार, एंड इसके सिबलिंग अर्बन क्रूजर हाई राइडर के भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है चैनल पर, सो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी देखते रहे हमारे और वीडियोस। ग्रैंड विटारा का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हो, और कौन सा अगर आपको डाउट हो विटारा के बारे में, ग्रैंड विटारा के बारे में, सब हमको कमेंट में बता सकते हो, हम आपको आंसर कर देंगे, या तो आप DM कर सकते हो ऑन द इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी उधर देखने मिल जाएगी, सो उधर जाके भी फॉलो कर ही लेना। एंड थैंक्स अगर आपको देना हो तो, और या तो ज्वाइन करनी हो तो ज्वाइन कर सकते हो आप अपने हिसाब से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो कर ही देना प्लीज़। बाकी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, और आई बटन में चेक कर सकता हमारे लेटेस्ट वीडियोस को भी। सो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।